हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरुही और आपका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैशटैग बोल्ड ब्यूटी में। आज मैं बात करूँगी कि आपके आई पिल्स के बारे में। जी हाँ, आई पिल्स। आई पिल्स को प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए या फिर नहीं? अगर आप आई पिल्स लेती हैं तो क्या खतरा हो सकता है और क्या है आई पिल्स के बारे में जो बहुत सारी बातें की जाती हैं कि आई पिल्स कब और कैसे लेनी चाहिए, मोस्टली आस्क क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ यही जानना चाहती हैं कि गर्भ निरोधक गोली है, यानी कि ये धारण होने के बाद लेनी चाहिए, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद। बट ये गलत है, बिल्कुल ही रॉन्ग, क्योंकि ये जो गोली है आईपिल्स जो होती है वो गर्भ निरोधक गोली है, यानी कि ये आपकी प्रेगनेंसी को, बच्चा ठहरने को रोकने के लिए है, ना कि ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए। आईपिल्स कब लेनी चाहिए? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ही आईपिल्स लेनी चाहिए। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप इसे 72 घंटे के अंदर ले सकती हैं, जब भी सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के बाद, रिलेशन बनाने के बाद। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, एलर्जी है, अस्थमा और इसी की तरह बहुत सारे और रोग हैं आपको, तो अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो आईपिल्स का यूज़ आप ना करें। बात कहते हैं प्रेगनेंसी में क्या इसे लेना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने या फिर प्रेगनेंसी को हटाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आईपिल्स गर्भावस्था में लेना अच्छा नहीं माना जाता, इससे बच्चे को नुकसान पहुँचता है। दोस्तों, आईपिल्स आप जब भी लें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवाई को लेनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह हेल्थ फैक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच।